रिश्तेदारां दा आपां नूं पता ही है कि कुड़ी होगी तां उपरों अबनॉर्मल आ तां इहदा रिश्ता किवें होऊगा। ठीक है, इहनूं तुसीं पैदा ही क्यों कीता है ना बई, तुसीं पैदा करता चलो होगी नाल दी ना मार दिंदे, उदों तां इन्ना दुख नहीं होना सीगा, हुण वड्डी हो गई तुहानूं ज़्यादा दुख देऊगी। ये काफ़ी लोग गल्लां करदे, जिवें मैं रास्ते च जानी आ कई जने देख के हसदे ने, कोई कुछ बोलदे ने लाइक कहानी बोलदे ने। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਕ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਬ ਹੋਰ ਗੁਣ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। अपनी गलती नहीं हैगी, भगवान ने आपको ऐ बनाया तो आपको खुश होना चाहिए है कि भगवान ने आपको अलग बनाया है, तो जिन्हें थोनू एक्सैप्ट करना होना उन्हें ऐवें भी कर लेना है, जिन्हें नहीं करना उन्हें नहीं करना। तो किसी की गल्लां सुन के डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, तो अगे वधन की कोशिश करो, उन्होंने करके दिखाओ कि असी किसी तो घट नहीं है। मेरा नाम हिमा शर्मा है तो मैं बठिंडा तो अगे जैतो पिंड की रहने वाली हाँ, एंड मैं इस टाइम इंस्टाग्राम पे वर्क कर रही हाँ। मेरे 85K के अराउंड फॉलोअर्स ने, मीन्स टू से मैं एक इन्फ्लुएंसर हाँ। मैं जर्नलिज्म का ही कोर्स कर रही हूँ, जर्नलिज्म मास मीडिया का BJMC कर रही है, मेरा लास्ट ईयर है ये, गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला तो ही कर रही हूँ। बचपन तो ही प्रॉब्लम है मेरी आइस च, लाइक आप कह सकते हैं दोनों आइस च मूवमेंट है नहीं, लाइक इस आइस की जिमें आप कह सकते पर्दा घिरया होया तो दोनों आइस की मूवमेंट है नहीं, मैं गर्दन घुमा के इधर उधर देखना पैंदा है। एंड मेरी बॉडी च भी प्रॉब्लम है, आइस के नाल नाल आप कह सकते बॉडी च कुब्ब पैंदा मेरे साइड तो भी एंड बैक साइड तो भी। जी बाई बर्थ है, जब मैं मतलब आप कह सकते 3 दिन की सी, मैं नानी नूं पता चलिया कि मेरी आइस च प्रॉब्लम है, एंड उस तो बाद ही मैनूं लैके जाना शुरू किया। बट आप कह सकते हैं कि उस टाइम किसी भी डॉक्टर नूं इन्नी नॉलेज नहीं सी कि वो मैनूं सही इलाज दस सकन। किसी ने कहा कि तेरी आइस खुली रहूगी, किसी ने कहा कि बस चो झपकनी नहीं, दैन किसी ने कहा आइस साइड भी जा सकती है। तो पापा कहते भी रिस्क लैन का कोई फायदा नहीं, बिकॉज इस तो चंगा तो एवें ठीक आ, बिकॉज रात नूं खुली रख के सोना पॉसीबल ही नहीं। दैन जब मैं इंस्टाग्राम पर आई, उस टाइम मैनू काफ़ी जने ने मैसेज किए, उस टाइम मैनू दस्या कि थोड़ी आइस ये प्रॉब्लम है, इत्थे इत्थे इलाज है। दैन असी हुण डॉक्टर्स नाल कंसल्ट कर रहे हैं एंड ट्रीटमेंट करवाउण दा सोच रहे हैं। एटलीस्ट असी चाहने कि जिहड़ी मेरी आइस दी पलक है वो चक्की जावे, मूवमेंट दा तो इलाज है ही नहीं, बिकॉज मेरे अंदर वो बोन्स बनिया ही नहीं कि मेरी मूवमेंट हो सके आइस दी। जदों मैं पैदा होई, एक तां मेरे मम्मा पापा दी लव मैरिज सी, ठीक है, आपको पता ही है कि घर दे जल्दी नहीं मनते। उस बार मैं हुई पहली कुड़ी, एंड उपरों ये सिस्टम पहला दे लोगों का ये सिस्टम सी कि कुड़ी नूं ज़्यादा एवें समझते सी कि हाय कुड़ी क्यों होगी है ना। तो उस टाइम मैं कुड़ी तो उपरों आप कह सकते बजुर्ग का जवाक हो गया है ना, कि जिहदे प्रॉब्लम सीगी। कोई भी खुश नहीं सी जो मैं हुई, मेरे घर दे बहुत खुश सी, मेरे मम्मा पापा नूं कोई तकलीफ नहीं सी, उन्होंने अज तक भी कोई तकलीफ नहीं, उन्होंने इन्नी को भी मैनूं फील नहीं करवाया कि मेरी आइस प्रॉब्लम है। मेरी आइस च नहीं कली, मेरी सिस्टर दी आइस च भी प्रॉब्लम आ, बट ओदे आइस मेरे जिन्नी बंद नहीं, ओदी खुलदी है, बट ओदे मसल वीक्स ने एंड ओदी भी मूवमेंट है नहीं आइस दी। बॉडी दा हजे पता नहीं, क्योंकि मेरा भी जदों वड्डी होई सी उदों बाद ही पता चलिया सी। एंड रिश्तेदारां दा आपां नूं पता ही है कि कुड़ी होगी तां उपरों अबनॉर्मल आ तां इहदा रिश्ता किवें होऊगा। ठीक है, इहनूं तुसीं पैदा ही क्यों कीता है ना बई, तुसीं पैदा करता चलो होगी नाल दी ना मार दिंदे, उदों तां इन्ना दुख नहीं होना सीगा, हुण वड्डी हो गई तुहानूं ज़्यादा दुख देऊगी। ये काफ़ी लोग गल्लां करदे, जिवें मैं रास्ते च जानी आ कई जने देख के हसदे ने, कोई कुछ बोलदे ने लाइक कहानी बोलदे ने, कई कुछ कुछ बोलदे ही रहंदे, मतलब आप कहंदे ने कि जदों चलदे आ उदों पिछे खुसर फुसर दी आवाज़ आंदी है, एक अलग निगाह नाल देखदे ने, आपां नूं फील हो जांदा कि आपां नूं किस वे नाल बंदा देख रिहा है, तां काफ़ी डिफरेंट फील करवांदे ने, जो कि बुरा बहुत लगता है देख के, क्योंकि इस अपनी गलती नहीं हैगी, फिर भी अपन लोग एवें फील करवाते हैं। लाइक साढ़े सिस्टम ये है कि कास्ट मैरिज होंगी है, लाइक असी शर्मे हैं तो मेरी मैरिज शर्मे च होगी, मतलब एक कुड़ी दी मैरिज, तो मेरे वाले ऐ कह दिता जाता है कि इन्हू मुंडा मिल जाए उही बहुत आ, क्योंकि यदि आइस प्रॉब्लम है एनू जो तोरांगे भी तो दहेज दे के तोरना पऊगा या एनू ए वर्गा बच्चों रत्ते ही लभना पऊगा कोई जेड़ा कि एनू ले जे ब्याह के, नहीं तो पॉसिबल नहीं। पहला जिस टाइम मैं अगर इंस्टाग्राम की गल करते हैं आप, मैं जिस टाइम इंस्टाग्राम पर आई सी लोग अज भी बहुत गंदे कमेंट करते हैं, ठीक है, अज भी कहते हैं कि तू नाटक कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये लगता है कि मैं आइस बंद होने का नाटक कर रही है। लाइक अगर आप फ्रंट कैमरे तो शूट करते कॉमन जी गल है, अपन राइट चीज़ लैफ्ट दिखूगी, लैफ्ट राइट दिखूगी, बट वो ये चीज़ नहीं समझते या समझना चाहते नहीं। पहले मैं काफ़ी प्रूफ करने की कोशिश की, लाइक मैं अपनी बचपन दी फोटोज़ पाइया कि वो लोग समझ जाए कि मेरे बचपन तो ही एवें है आइज, क्योंकि कोई भी बच्चे बचपन तो पता नहीं होंगे कि उन्हें वीडियो बनानी शुरू करनी है लाइक फॉलोअर्स लिए नाटक करें। दैन उस तो बाद लोग भी काफ़ी कुछ कहते सी, वो भी इफेक्ट करता सी बहुत। मैं घरें आके रोना, बच्चे भी स्कूल 'च अलग अलग फील करवाते। दैन मेरे पापा ने कहा कि थोड़ी आइस 'च प्रॉब्लम है, मंद है, पर तुसी बाहर दुनिया नूं जाके देखो, कई लोग तो आए हैं जिन्होंने हथ पैर भी है नहीं, एटलीस्ट तुसी आप कुछ कर तो सकते हो ना। तो ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है। मेरी इंस्टाग्राम की कहानी शुरू हुई सी मेरे बचपन तो ही वैसे तो शुरू हुई है। मैंने एक्टिंग का काफ़ी शौक सी, दैन उस तो बाद इन्ना ज़्यादा शौक सी, फिर उस तो बाद एक फीचर आया टिकटॉक का, मीनस टू से एक ऐप आया, दैन उस ऐप तो मैं वीडियो बनानी शुरू की। लाइक साड़ी फैमिली से अलाउड नहीं सी वीडियो बनाना, स्पैशली गर्ल्स फोटो तक नहीं पादियाँ सी, एंड मैं प्राइवेट करके वीडियोज़ पान लगी। दैन किते ना किते एक्टिंग का शौक सी मैनू, सी कि लोग मैनू देखन, तो फिर मैं की किता पब्लिक वीडियो पाती एंड वो वीडियो वायरल भी हो गई 1 घंटे के अंदर अंदर ही। एंड उस तो बाद टिकटॉक बैन हो गया, काफ़ी फॉलोअर्स हो गए सी मेरे टिकटॉक ते, एंड उस तो बाद बैन हो गया। फिर इंस्टाग्राम आया, बट इंस्टाग्राम दे मेरे जेडे फिल्टर से वर्क नहीं करते सी मेरे फोन ते। दैन हौली हौली वर्क करने शुरू की 1-2 फिल्टर्स, फिर मैं वीडियो बनानी शुरू की, पहला नहीं चलिया। दैन उस तो बाद एक वीडियो 1 लाख के अराउंड करके गई, 2-3 वीडियो एवें ही गई 1 लाख से। दैन एक वीडियो 12 मिलियन के व्यूज़ से गई, एंड उस वीडियो नाल ही मैनू काफ़ी मतलब अकाउंट नू रीच मिली मेरे नू कह सकते हैं। एंड मैं एक ऐप तो हो रहा है जिथे कि मेरे 7 लाख के अराउंड फॉलोअर्स ने मौज। दैन उतों लोग मैनू पहचान लगे, मैनू उतों पहचान मिली। हुण मैं जिथे भी जानी है, चाहे नॉर्मल मतलब घरें भी जा रही है ना, आपके बस च भी ईवन लोग मिल जाते हैं, तो इन्ने प्यार नाल आके बुलाएंगे। मतलब आप कह सकते उन्होंने मेरी कमी नहीं दिखती, आके कहेंगे तुसी बहुत सोहने हो, तुसी इंस्टाग्राम ते जिवें दिखदे हो ना उदों ज़्यादा क्यूट हो, तो इन्ना प्यार करते हैं, मेरे नाल फोटोज़ लैंदे ने, तो काफ़ी अच्छा लगता। वो आप फीलिंग बयान भी नहीं कर सकते, इन्ना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मैं इंस्टाग्राम ते आई मेरे को फोन भी एवें खराब जा सीगा, बट आप कहने हैं कि क्लैरिटी जरूरी है वीडियोज़ च, तो मैं 55K तक बाल्टी उपर इट्टा मेज वगैरह रख के फोन ते वीडियोज़ बनाती रही हैं। एंड उस तो बाद मेरा फोन टुट गया सीगा कैमरा, तो आप कहने हैं कि पोस्ट भी एक क्लीयर होनी चाहिए, अगर आप कोई पिक पोस्ट करनी है वो भी जरूरी है पोस्ट करनी। तो मैं मतलब मेरे भरा के दोस्तों तो फोन मंगना कि तुसीं मैनूं प्लीज़ दोगे, काफ़ी लोग खिंचते भी सी कि नहीं है ना रोज़ ही मतलब फ़ोन मंगती है। मेरा भरा खुद भी काफ़ी सपोर्टिव रहा है, बट वो कितना ना कितने जो मेरी वीडियोज़ चलती नहीं सी वो खिंच जाता सी, क्योंकि मेरे को फ़ोन नहीं सी। मैं पापा को कहना कि मेरे सिर्फ घंटे लिए फ़ोन दवा दो ताकि मैं आपकी वीडियोज़ पोस्ट कर सका। मैं उस तो घंटा मंग के जिवें 1 घंटा होंगे उन्हें फ़ोन ले लेना सी, तो मैं फटाफट वीडियोज़ बनाती। तो काफ़ी आप कह सकते मंगवी मतलब जर्नी रही है मेरी इंस्टाग्राम की, कि हुण जाके मैनूं आपदा मतलब एक आप कह सकते अच्छा फ़ोन मिले। काफ़ी सपोर्टिव हो गए, लाइक हुण वो खुद कहते अच्छा तू ये सॉन्ग ते वीडियो नहीं बनाई, तू बना है ना, इत्थे तेरे ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, तू थोड़ी घट कर, एवें एक्सप्रैशन दे ये वो सारा कुछ पापा हुण दसदे। काफ़ी सपोर्टिव हो गए, मेरे मम्मा पहला तो ही सपोर्ट करते सी, उन्हां वल्लों कोई मैनूं रिस्ट्रिक्शन नहीं सी। एंड हुण पापा ने मेरे रिसेंटली बर्थडे उपर मैं कई सालों तो ही मंग रही थी फोन ताकि मैनूं आईफोन दिला दो, बट पापा ने नहीं दिलाया, क्योंकि उन्हां नूं सी भी नॉर्मल फोन हैगे है की करने हैं, इन्हें फालतू वीडियोज़ तो बनानी है। दैन हुण उन्होंने इस बर्थडे ते मैनूं रिंग लाइट भी लैके दी, ट्राईपोड भी लैके दिता, एंड फोन भी लैके दिता, वो भी रात नूं सरप्राइज़ दिता, आईफोन 13 Pro Max लेटेस्ट ही लैके दिता उन्होंने। मेरा सपना सपना था एक्ट्रेस बनना है। दिलों मेरा यही सपना है कि मैं एक्ट्रेस बना, अपना घर लवां तो जिस विच एक पूल होवे ते गार्डन हो छोटा जहा। तो घर मैं ये नहीं चाहती कि बहुत वड्डा हो, महल वर्गा, सिंपल एक सोबर है जिन्होंने मैं अपने हर एक एक, एक चीज़ अपने हाथ से डेकोरेट करा, जिस विच है ना होंगे ही हर नूं कि आपकी कमाई ना कर लवे। तो मैं अपने मम्मा नूं सैलून ओपन करके देना एंड मेरी फैमिली नूं अच्छी लाइफ देनी, बिकॉज उन्होंने अज तक इन्ना भी मैनूं फील नहीं करवाया कि मेरे च कोई प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने कोई आके कहता भी है कि हाँ थोड़ी कुड़ी च प्रॉब्लम है, उन्होंने आके सिर्फ यही कहा कि यदि किस्मत है, जिन्ना यदि किस्मत हैगा ये खा के जाऊगी, है ना, थोड़े तो मंग नहीं रही, ठीक है, सानू साढ़े तो कदे भी बोझ नहीं है। जे इन्हों कोई नहीं व्यादा तो ना व्यावे, उन्होंने मतलब अगे उन्होंने जवाब दिता, उन्होंने कदे भी सानू प्रैशराइज नहीं किया कि हाँ तुसी एवें हो तुसी एवें हो, लाइक मुंडे नाल भी ज़्यादा करते हैं। तो मैं उन्होंने एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। मैनू एवें कि जिमें जिमें चल रहा है चली जाए, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे लिए ये भी बहुत वड्डी गल है। मैंने इन्ना मिले आप कहना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, बट मैनू ये है कि भगवान जो भी करूँगा अच्छे लिए करूँगा। जे अपनी गल नॉर्मल लोगों की करिए तो वो हमेशा ऐ कहते हैं कि तुसी गॉड चाइल्ड हो, बट जो भी सानू अपनाने की गल आती है या असी कितों भी जाने हैं ना तो वो फील करवाते ही नहीं कि थोड़े च प्रॉब्लम है। पहला उन्होंने ये चीज़ बंद करनी चाहिए, जो ये चीज़ कहते हैं उन्होंने तो ये चीज़ उन्होंने खुद तो अपनानी भी चाहिए, एवें नहीं सिर्फ कहना नहीं होंदा, अपन उन्होंने फील भी करवाना चाहिए। जो अगे वधन की कोशिश करते, लाइक जिवें मैं आपकी एग्जाम्पल ले ला, मैं अगे वधन की कोशिश कर रहे लोग नीचे गाला लिख रहे हैं तो वो खिंचते हैं आपके वल कि हाँ मेरा बच्चा अगे ना वधे। एक पासे कहेंगे तुसी अगे वधो, एक पासे वो आपके वल खिंचते हैं कि ना तुसी अगे वधो ना, उन्होंने डिमोटिवेट करते हैं। तो जेडे लोग उन्होंने लोगों की सुनते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, लाइक मैंने काफ़ी मैसेज आते हैं कि तुम सनग्लासेस ला के वीडियो बनाओ तो आइज प्रॉब्लम नहीं दिखनी। मेरे च प्रॉब्लम है तो है, जिन्हें मैंने एक्सैप्ट करना है उन्हें मैंने ऐवें भी कर लेना, जिन्हें नहीं करना उन्हें मैंने सनग्लासेस ला के भी नहीं करना। आप कह सकते हैं कि अच्छाई जिन्हों अच्छाई दिखती है ना, ठीक है, जिस च अच्छाई होगी उन्हें अच्छाई दिखूगी, जिस च बुराई है ना उन्हें अपनी लख अच्छाइयां भी उन्हें बुराई काढ़ ही देनी है। तो कोई फर्क नहीं पैना चाहिए अपन लोगों का, बिकॉज अपनी गलती नहीं हैगी, भगवान ने अपन ऐ बनाया तो अपन खुश होना चाहिए कि भगवान ने अपन अलग बनाया। तो जिन्हें थोनू एक्सैप्ट करना होना उन्हें ऐवें भी कर लेना, जिन्हें नहीं करना उन्हें नहीं करना। तो किसी की गल्लां सुन के डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, तो अगे वधन की कोशिश करो, उन्होंने करके दिखाओ कि असी किसी तो घट नहीं है।